मुंबई में पेश आया भयानक हादसा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के करीब ढह गई फुट ओवर ब्रिज। हादसे में दो अफराद की मौत की खबर, मुतादित लोग बताए जा रहे हैं जख्मी। सीएसटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जोड़ने का काम करता था ये फुट ओवर ब्रिज। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दिल्ली ने एक बड़े स्मगलिंग रैकेट का किया पर्दाफाश। 3,22,00,000 गैर मुल्की करेंसी समेत 45,00,000 रुपए के साथ 3,75,00,000 मालियत के सोने को किया बरामद। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से दुबई और दिगर ममालिक में किया करता था स्मगलिंग। लोकसभा पार्लियामानी इंतखाबात से कबल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज लीडर और तर्जमान टॉम वड़क्कन ने इख्तियार की बीजेपी में शमूलियत। सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं वड़क्कन। बंगाल में ममता बनर्जी के रुकना असेंबली, अर्जुन सिंह ने भी थामा कमल। 30 सालों से ममता के साथ जुड़े थे अर्जुन। चीन की तरफ से मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने की पेशकश को मंजूरी न मिलने पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। ओवैसी ने इसे झूला डिप्लोमेसी की नाकामी से किया ताबीर। कहा चीन ने एक दहशतगर्द को ब्लैकलिस्ट करने से किया इनकार। दिस इज अ फेलियर ऑफ नरेंद्र मोदी झूला डिप्लोमेसी एंड दिस झूला डिप्लोमेसी इज सो फैंटास्टिक दैट चाइना रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट इन ब्लैकलिस्टिंग दिस टेररिस्ट व्हेयरएज वी एज अ कंट्री वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ नियरली 39 crores फॉर बुलेट प्रूफ वेस्ट फॉर आवर आर्मी फ्रॉम चाइना। सो दिस क्लियरली शोज द ग्रेट झूला डिप्लोमेसी विच मिस्टर नरेंद्र मोदी इज फॉलोइंग। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 45 किलो वजनी लकड़ी को एक मुसाफिर से किया बरामद। 2,25,00,000 मालियत की बताई जा रही है जब्तशुदा उदी लकड़ी। मुल्जिम मुसाफिर को अगली कार्रवाई के लिए कस्टम अफसरान के किया गया हवाले। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इन पाक के दरमियान तनातनी के बीच पहली बार हुई मीटिंग। कॉरिडोर बनाने को लेकर कई मुद्दों पर हुई बातचीत। 19 मार्च को अब टेक्निकल टीम करेगी कॉरिडोर पर चर्चा। 2 अप्रैल को वाका में होगी अगली मीटिंग। प्रियंका गांधी पर घोटाले के इल्जाम पर कांग्रेस ने किया पलटवार। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर रणदीप सुरजेवाला ने स्मृति ईरानी को लिया घेरे में। ईरानी पर लगाया घोटाले का इल्जाम, कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का मांगा इस्तीफा। स्मृति ईरानी जी को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। उम्मीद है कि अगर उनमें जरा सा भी सार्वजनिक जीवन के लिए कोई सम्मान और एथिक्स हैं जिनकी वो चर्चा करती हैं, तो वो स्वयं इस्तीफा देंगी और कहेंगी कि एफआईआर दर्ज कर जांच करिए, और नहीं तो हम ये मांग करते हैं कि उनको अपने पद से हटाया जाए। राफेल लीक दस्तावेजात पर बहस व मुबासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में महफूज रखा गया फैसला। लीक दस्तावेजात में कीमत होने की बात कहकर हुकूमत ने किया दस्तावेजात पर खुसूसी इख्तियार हासिल होने का दावा। भटकल टाउन म्यूनसिपल काउंसिल की खत्म हुई मियाद, अब भटकल असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुल्ला ने संभाला एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज। सालों से संगीन बना हुआ ड्रेनेज का मसले का अब तक नहीं निकाला जा सका इत्मीनान बख्श हल। पार्लियामानी इंतखाबात के बाद ही टीएमसी इंतखाबात होने के जाहिर किए जा रहे इम्कानात। तरक्याती उमूर में कोई रुकावट पेश न आने का असिस्टेंट कमिश्नर ने किया दावा।